माय डियर कैंडिडेट, आप सभी इंतज़ार भी कर रहे होंगे क्योंकि वीक का सैटरडे फिर से आने को हो गया। मेजर बेसिकली आपको जो कंपनीज़ के बारे में जो नई कंपनीज़ आई उनको पहले हाईलाइट कर दूँ आपको, और कुछ बातें ज़रूरी भी हैं समझना। आज मैंने देखा कई कैंडिडेट जो आए थे जिनका इंटरव्यू फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, फर्स्ट राउंड के बाद में जब उन्होंने वहाँ पे अपनी बात सैलरी एक्सपेक्टेशन की रखते हैं, तो आप जब भी सैलरी एक्सपेक्टेशन रखिए लास्ट सैलरी आप बताइए। पर मैं आप सबको ये बात कहूँगा, लास्ट सैलरी बताने के बाद में आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना डिजर्व करते हैं, ये हम लोगों को भी छोड़िए। क्योंकि अगर आप सैलरी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं एक्सपेक्टेशन वाली सैलरी, तो नेचुरल मान करके चलिए कि आपको वो ज़्यादा, अगर बीच का कुछ एक रास्ता होगा तो वो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके सैलरी जब भी मेंशन करिए तो वो एक बार उसको आप डिस्कस जरूर करके यहाँ पे करिए। सेकंड, एक और जो मैंने आज इंट्रैक्शन में कई लोगों के साथ में समझा कि कई लोग बेसिकली जॉब तो एक अच्छा चाह रहे हैं बट बिना जेडी को समझे जॉब अच्छा चाह रहे हैं। आप थे किसी सेक्टर में और अब आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो आप जिस पैकेज में जाना चाह रहे हैं, जिस प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं, उस कंपनी का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आप हैंडल कैसे करेंगे, ये जानकारी बिना करके जाना बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ट्राइडेंट में मैं आज बता दूँ आपको, जो कैंडिडेट टेक्निकल हैं, मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग अ साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप, CNC DMC के लिए 60 तक का पैकेज है। ये कैंडिडेट जो मेंटेनेंस मैनेजर में जिनका अच्छा नॉलेज हो वो इमीडिएटली इसमें फाइनलाइज किए सकते हैं। दूसरी यार, मॉर्निंग में ही 9:30 पर जो ज्वाइनिंग आ गई थी, पहले मैं सोच रहा था कि 9:30 तक आपका वीडियो अपलोड कर दूँ, पर ये नहीं कर पाया अभी। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ये इसका और सैटरडे का ये जो सुपर हाउस में नई रिक्वायरमेंट आई है, उन 9 लोकेशन के लिए फैक्ट्री स्टोर मैनेजर फ्रॉम लेदर इंडस्ट्री से 35 तक का पैकेज है। जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, जिनको ERP और ऑपरेशंस और कंप्यूटर नॉलेज हो, मेल मेंबर इसमें इमीडिएटली काम कर सकते हैं जो लेदर इंडस्ट्री के हों। कपिला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर नंबर 1, जनरल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। 2, MIS एक्सक्यूटिव क्लर्क चाहिए और कंप्लायंस ऑफिसर चाहिए। 3 प्रोफाइल्स हैं जिसमें इमीडिएटली इंटरव्यूज होने हैं कपिला ग्रुप में। रोटोमेट पम्प में इमीडिएटली प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैकेनिकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए, PPC कैंडिडेट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TVS में BTEC और ग्रेजुएट जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो वर्कशॉप एडवाइज़र में काम कर सकते हैं, उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सर पान मसाला में ऑटोमैक्स 3D डिज़ाइनर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है माय डियर कैंडिडेट। और कानपुर देहात रनिया में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इंजीनियर की एस्ट्रल एडहेसिव में रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट इसकी चल रही है, इंटरव्यूज भी चालू हो गए हैं। खेमका फाइनेंशियल्स में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कंप्यूटर नॉलेज। मैं फीमेल की रिक्वायरमेंट की बात बता दूँ कि आज फीमेल को अगर एक ऑफिस जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, तो उनको सिर्फ कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए होगा, उस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, उस रिक्वायरमेंट में उन्हें करना क्या है, वो काम कैसे कर पाएंगी, उसमें क्या रिक्वायरमेंट उनके लिए ज़रूरी आना, इन चीज़ों के बिना अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छा पैकेज नहीं लाया जा सकता है। भारतीय ग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव जो FMCG में काम करना चाहते हैं, कानपुर लोकेशन के लिए बहुत अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, वो बाइक जिनके पास में वो कर सकते हैं। रतन हाउसिंग में जिनका कंप्यूटर MIS बहुत ज़बरदस्त है, धुआंधार है, वो 40 के पैकेज के लिए जा सकते हैं। जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन और अच्छा है वो सेल्स एडवाइजर की प्रोफाइल में जा सकते हैं। अशोक लीलैंड में हैवी कमर्शियल व्हीकल में झांसी लोकेशन में HR मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, CRO, अकाउंटेंट, ये 5 से 6 प्रोफाइल यहाँ पे बहुत अर्जेंट हैं अशोक नीलैंड में झांसी लोकेशन के लिए। पार्ले जी में एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट BSc लैब केमिस्ट का जो रिक्वायरमेंट है। सक्यूरिटी एजेंसी में ई कॉमर्स मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग 25 का पैकेज चाहिए। अर्चिता शुद्धि में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, डिस्पैच सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमेट पम्प में अकाउंटेंट जिसको GST रिटर्न और गुड नॉलेज कंप्यूटर एंड ऐप की हो, वो अर्जेंटली रिक्वायरमेंट उनका हो सकता है। अगर एज उनकी 40 ईयर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माल रोड की तरफ की ज्वाइनिंग है। JQ फॉर्जिंग में असिस्टेंट अकाउंटेंट चाहिए। सुबी राणा में एक जो रिक्वायरमेंट है जिसमें फीमेल का रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशन एंड क्वालिटी सुपरवाइजर नंबर 2, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, 2 प्रोफाइल हैं इसमें। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में बैक ऑफिस ही मान के चलिए, जिनका फ्रेशर हो, गुड रिटेन और स्पोकन इंग्लिश हो, उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवल्स ऑन रोल के लिए ब्रांच हेड 8 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। अकाउंट मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख का है। अकाउंटेंट
25 का पैकेज है। लोहिया कॉर्प के लिए में रिक्वायरमेंट है मैनेजर एंड इंजीनियर डिज़ाइन R&D के लिए 4 लाख टू 7 लाख का पैकेज है। सिग्मा स्टॉटिंग में डिज़ाइन इंजीनियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट 3 लाख टू 5 लाख, रीजनल सेल्स मैनेजर 8 लाख टू 13 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्टर एडेसिव HR कम ऑपरेशन एक्सिक्यूटिव 15 का पैकेज है। सीनियर डिस्पैच मैनेजर 70 तक के पैकेज के लिए VK पैकवेल में है। CA इंटेफ और सीनियर अकाउंटेंट के लिए 50 तक के पैकेज के लिए VK पैकवेल में है। इंडालको में इंटरव्यूज चालू हो गए, ज्वाइनिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं। BSc कैंडिडेट 60% मार्क्स रेणुकूट में जो ज्वाइन करना चाहते हैं 3 लाख पर एनम का पैकेज है। साथ ही साथ में उन कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल की फैसिलिटी भी इनके पास में ठीक है। राधा रमन में एक्सपीरियंस मैरिट केमिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ डायमेंशन, मैरिट जनरल सुपरवाइजर भी इनको चाहिए। होंडा साकेत नगर में इनको रिक्वायरमेंट है फीमेल शोरूम सेल्स एक्सिक्यूटिव, सेल्स एक्सिक्यूटिव के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बोरा प्लास्टिक में फ्रेशर सुपरवाइजर टेलीकॉलर फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TPI अंडर कैरियज में सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर 30 पैकेज BTech मैकेनिकल और डिप्लोमा के लिए चाहिए। प्रिसीटेक्स इक्विपमेंट में स्मार्ट फीमेल एक्सिक्यूटिव ट्रेनिंग, जिनको कंप्यूटर अच्छा आता हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, स्टोर एंड परचेज पोस्ट सेल्स के लिए चाहिए। टेंडर पार्टिसिपेशन चाहिए। सुपर हाउस में परचेज मैनेजर 40 के पैकेज के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में जिन्होंने प्रोडक्शन प्लानिंग में काम किया हो, यार्ड में काम किया हो, फैब्रिक में एक्सपीरियंस हो, रोप मैन्युफैक्चरिंग का हो जिन्होंने काम किया, इन्होंने इवन कंपनी भी बताई थी, जिन्होंने MLDC में प्रोडक्शन में काम किया उनको इमीडिएट हायर कर सकते हैं। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट सेक्टर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सुपर हाउस में फीमेल असिस्टेंट मर्चेंडाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ये सुभाष मसाले में सीनियर अकाउंटेंट एडमिन मैनेजर नॉलेज ऑफ MS ऑफिस फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस FMCG सेल्स एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में परचेज मैनेजर 35 की टेंडर एक्सिक्यूटिव फीमेल प्रेफरेंस 30 HR रिक्रूटर 25 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर R&D 40 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय प्रो में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग नॉलेज ऑफ GST एंड इनकम टैक्स 25। डेन नेटवर्क में एक्सपीरियंस स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल BDM 35। नवीन टेक्सटाइल मर्चेंडाइजर फैक्ट्री सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। उसी टैक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड लेटर ड्राफ्टिंग एबिलिटी जूनियर अकाउंटेंट ई टेंडर एक्सपीरियंस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CNC टर्निंग ऑपरेटर CNC टर्निंग प्रोग्रामर प्रोडक्शन सुपरवाइजर स्टोर कीपर स्टोर क्लर्क का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रेनरों में सेल्स मैनेजर फिटर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर RO ऑपरेटर कई सब का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी ग्रुप में FMCG सेल्स एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गंगा इंफ्राबिल्ड में SAP ऑपरेटर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग जूनियर अकाउंटिंग ई टेंडर एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। CA में क्या अंडर रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट का है। शंभू कंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल टेलीकॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट रूमा उन्नाव के लिए अर्जेंट सुपर हाउस में इंटरव्यू चल रहे हैं। डेली हैंडलूम में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद GST 20 तक के पैकेज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माई डियर कैंडिडेट, ये सारी जितनी भी कंपनी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं इनमें सभी में अर्जेंट इंटरव्यूज फाइनलाइजेशन तुरंत ज्वाइनिंग वाले ये इंटरव्यूज हैं। और अभी इसमें बहुत सारी भी कंपनीज नहीं बता पाएँ चूँकि जो कंपनीज नहीं आती हैं या पुरानी बार बार ज़्यादा कंपनीज के ओनर या HR ज़्यादा पिच करते हैं, मैं उनको आपको वीडियो में अपलोड करता हूँ। माय डियर कैंडिडेट, कल सैटरडे का कल रात का वीडियो देखना कतई नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि सैटरडे का जो जॉब हंट ड्राइव है वो सैटरडे को जो जॉब हंट ड्राइव है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। कभी कभी मैंने देखा लोग उसी चीज़ को बार बार सुनते सुनते डल भी होते हैं, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको प्रोग्रेस दिखाई देती है इन सब चीज़ों में, और वो जो प्रोग्रेस उनको दिखती है कि अगर हम आज इंटरव्यूज देंगे, एक ज्वाइनिंग होगी, एक ज्वाइनिंग के बाद में 4 ज्वाइनिंग के लिए और वो इंटरव्यू देने का मन करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, अगर आप लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, कंपनीज में जा रहे हैं, कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं, कंपनीज के नेम वही हो सकते हैं, प्रोफाइल वही हो सकती है, पर ज्वाइनिंग्स नहीं है, पैकेजेस नए हैं, सैटरडे के जॉब ऑन ड्राइव में केवल कुछ कंपनी आने वाली नहीं होती है, रिक्वायरमेंट एक साथ फ्राइडे को आती हैं, और कई इंटरव्यू कल फ्राइडे को भी बहुत सारे कैंडिडेट को भेजना है क्योंकि अर्जेंट ज्वाइनिंग है। माय डियर कैंडिडेट, ये तो आप अच्छा है कि आप कानपुर में हैवी रेन में भी कानपुर पूरा सेफ एंड सेफ है, किसी को दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग्स आ रही है। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल हालत ख़राब है, तो उसके लिए अपने को भी धन्यवाद दीजिए, भाग्यशाली कहिए। ऐसे टाइम में कानपुर की और इम्पोर्टेंस समझ में आती है जब आपकी अर्निंग बन रही है और इस हैवी रेन में भी आपके लिए जॉब रेडी है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव माई शोर जॉब .com। थैंक यू।